नमस्कार, मैं हूँ रश्मि गुप्ता, यानी कि आपकी सरस्वती बहू फ्रॉम द शो गुड डन तुमसे ना हो पाएगा। और हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ, और शूटिंग को स्टार्ट हुए एक महीना हो चुका है एंड टच वुड सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र, जैसे कि फॉग सैनिटाइज़र और मास्क एंड फेस शील्ड, सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। तो जब भी हम मॉर्निंग में अपने सेट पर पहुंचते हैं तो एंट्री में ही टेम्परेचर चेक होता है एंड आप फॉग मशीन में जाके अपने आप को सैनिटाइज करते हैं एंड देन आपकी एंट्री होती है मेकअप रूम में। और मेकअप दादा जो हैं वो पूरा पीपीई किट पहन करके फेस मास्क एंड फेस शील्ड लगा करके मेकअप करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, फिर फेस को टच करते हैं। सेम विद हेयर डिपार्टमेंट, वो लोग भी पीपीई किट पहन करके एंड सैनिटाइजर यूज़ करके ही बालों को छूते हैं। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। रही बात ऑन सेट, तो आर्टिस्ट के लिए भी यही है कि रिहर्सल के टाइम पे सब लोग मास्क लगाते हैं, बट जब जैसे ही टेक होता है, एक्शन होता है, तो हम लोग अपने मास्क को निकाल देते हैं बिकॉज वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। बट येस, अगर चार आर्टिस्ट हैं एक सीन में तो चार आर्टिस्ट मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन उसके अलावा यूनिट में जितने भी लोग हैं वो सब लोग मास्क लगाते हैं। और हमारे सेट पे जगह जगह सैनिटाइज़र मशीन लगा दी गई है, तो जैसे ही कट होता है या हर एक घंटे बाद वो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरी वन, यूनिट का हर एक बंदा हाथ सैनिटाइज करते रहता है। और फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम हो रहा है और कोई लापरवाही नहीं हो रही है। और इसके साथ ही साथ खाना पीना सेट पे बंद हो चुका है। हाँ, हम लोग अपने अपने घरों से खाना लेकर आते हैं, तो सिर्फ चाय अगर पीनी होती है सेट पर तो हम लोग को एक प्यारा सा केटल दिया गया है। केटल दिखाती हूँ, तो आई एम टेलिंग यू कि ये केटल मिला हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको ग्रीन टी के पाउचेज या फिर टी बैग्स, शुगर और मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिली हुई है, सो दैट आपको चाय पीनी है तो आप पी सकते हैं। तो जो लंच है वो सब बंद हो चुका है, हम लोग अपने घर से कैरी करते हैं। तो ये भी सेफ्टी है एक तरह से देखा जाए, बहुत अच्छी बात है कि हम अपना खाना साफ अपने हाथों से बना करके लाते हैं। यू नेवर नो कि यहाँ पर अगर खाना मिलता भी तो पता नहीं, सफाई तो करते ही ऑफकोर्स, बट पता नहीं कितने हाथों से आता। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि हम घर से खाना लेकर आते हैं एंड हमारी सात से सात की शिफ्ट होती है। और तो थोड़ी सी मुश्किल हुई है बट ठीक है, एडजस्ट कर लिया है। और कोरोना को हराना है तो हम सबको एक साथ मिलकर हराना है, और हम उसे हराएंगे और हम ये जंग जीत जाएंगे।